हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। चैप्टर नंबर 2 है बच्चों। ये प्रॉब्लम 10 देखो, कहता है 12 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने 50 वोल्ट की बैटरी से, तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो यू कैन राइट इट डाउन कि अगर एक कैपेसिटर है हमारे पास, उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों, राइट। तो V का टर्म हमें गिवन है यहाँ पर, वो है 50 और इसकी कैपेसिटी भी गिवन है, वो है आपके पास 12 पीको फैरेड। जब ये दोनों टर्म दिए होते हैं तो आपको एनर्जी का एक फॉर्मूला पता होता है। आउट ऑफ द 3 फॉर्मूलास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कैन बी रिटन एज 1/2 ऑफ CV2। सो आई कैन राइट 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 12 पीको फैरेड और ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, राइट बच्चों। तो यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, पिको का मतलब होता है माइनस में 12 और यहाँ हो जाएगा 50 और एक और आ जाएगा बच्चों 50। अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 इंटू ये 5 और 5 अलग कर लेते तो ये हो जाएगा 25 और दो जीरोज यहाँ कम कर देंगे तो हो जाएगा 10^-10। तो ये टर्म मुझे दिख रही है 150 की और आप लिख सकते हो 1.5 और यहाँ से दो जीरोस को और कम कर लो, एनर्जी है तो आपका जूल्स में आंसर आएगा बच्चों। इकलौता ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक लाइन में आप आंसर कर सकते हो, सीधा सीधा ये आंसर है हमारे पास 1.5 × 10^-8 ऑफ जूल्स इज द आंसर फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।